जिसमें कोशिका जब डिवाइड करता है तो जो मदर सेल्स होता है उसका आधा नंबर हो जाता है गुणसूत्र का। दैट डिवीजन इन विच क्रोमोजोम नंबर्स बिकम्स हैप्लोइड फ्रॉम डिप्लोइड, उसी को कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस फर्स्ट में ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट में इंटर किया और बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के द्वारा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। तो ये क्या है डिप्लोइड, ये भी डिप्लोइड और ये क्या हो गया हैप्लोइड। क्यों हैप्लोइड हुआ, मियोसिस में इंटर किया। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड में इंटर करते हैं तो इस तरह ये यहां कितने स्पर्मेटिड बन जाएंगे, फोर स्पर्मेटिड्स। और ये स्पर्मेटिड्स इस तरह से एक दो तीन चार, ये चार स्पर्मेटिड्स बन गए। और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और अब ये स्पर्मेटिड्स इंटर करेंगे डिफरेंशियल फेज में। कौन से फेज में, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल, राधे राधे, डिफरेंशियल फेज में इंटर करेंगे। डिफरेंशियल फेज में क्या होगा कि इसमें ये जो गोल देखते हैं इसमें टेल का फॉर्मेशन होगा। ये चारों में किसका फॉर्मेशन, ये इसमें टेल नहीं है लेकिन इसमें टेल है। यहाँ वजन इसका ज्यादा है और इसे ये मूव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ क्या होगा कि इनके साइटोप्लाज्म का लॉस होगा, टेल का फॉर्मेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में आएगा, इस तरह बहुत सारा इसमें चेंज होता है और इसलिए इसको डिफरेंशिएशन फेज कहते हैं। और ये इसको स्पर्म कहेंगे, इसको स्पर्मेटिड्स कहेंगे और इसको स्पर्म कहेंगे। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्मायोजेनेसिस। नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मायोजेनेसिस बोथ कंबाइंड टू फॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। धन्यवाद आपका। क्लास क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करती हूं कि इस वीडियो को ध्यान से दो बार चार बार देखिए। आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने ये हिंदी में वीडियो बनाया है, इसलिए मेरा वीडियो बनाना तभी सार्थक होगा जब आप इसको ध्यान पूर्वक स्टडी करेंगे और हमें इसका रिप्लाई देंगे, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो फिर मैं इस अगले वीडियो में सुधार कर पाऊंगी। क्योंकि मुझे भी आप लोगों से सीखना है, मैं कोई शिक्षक या व्याख्याता नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा, मुझे आप एक सीनियर स्टूडेंट की तरह समझ सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना वॉरियर के रूप में घर पर रहकर आप अपने आप को संयमित रखें, धैर्य रखें, कोरोना से डरे नहीं बल्कि परहेज करें और उसके लिए जो तरह तरह के उपाय बताए गए हैं आप उसको ध्यान में रखकर करते हुए खुद के जीवन को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। अभी के स्थिति में यही हर एक नागरिक का कर्तव्य है। धन्यवाद।